किसान साथियों, खेती बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही किसानों ने उसका इस्तेमाल किया है और बहुत ही इंडिया के अंदर प्रचलित प्रोडक्ट है। जी हाँ, प्रोडक्ट का नाम है बासाग्राम। यानी कि यह कौन सी कंपनी का आता है? देखिए, बासाग्राम जो प्रोडक्ट आता है BASF इंडिया लिमिटेड कंपनी का आता है, जिसकी पैकिंग देखिए कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें किसमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताएंगे। देखिए, आपने खरपतवार का नाम तो सुना ही होगा, मोथा। जी हाँ, आप उसको मोतिंगा भी बोल सकते हैं। यह खरपतवार बहुत ही जिद्दी खरपतवार होता है और हमने बहुत सारे हर्बिसाइड इस्तेमाल किए हैं, पर मोथा पर इसका नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि मोथा होता कैसे है और कैसा दिखता है और ये क्यों नहीं जाता। देखिए, जो मोटा होता है पतला नुकीला और चिकनी पत्तों वाला होता है। वो इसके क्या है कि जमीन के अंदर इसकी बहुत सारी कीटाणु होती है। अब क्या होता है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो होता है क्या है कि हमने दवाई का स्प्रे किया तो जो नीचे की कीटाणु होती है वो खत्म नहीं होती है। आपने कोई हर्बिसाइड स्प्रे किया, ऊपर ऊपर से पीला पड़ जाएगा पर कीटाणु खत्म नहीं हो पाती। चिकना होने के कारण दवाइयां असर अपना कम दिखाती है, इसलिए मोतिंगा खत्म आसानी से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि बासाग्राम के अंदर टेक्निकल क्या है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल का नाम है बेंटाजोन 480 ग्राम प्रति लीटर इसका टेक्निकल है। जी हाँ, अब कंपनी के द्वारा इसको किसमें इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है? तो देखिए, कंपनी के द्वारा जो इसका इस्तेमाल है, हमें हमेशा धान के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अब ये धान के अंदर कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करता है? तो देखिए, धान के अंदर जो ये खरपतवार है, जैसे कि अपना चोड़ा पत्ती एवं मोथा, इसका इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। इसका कंट्रोल इससे होता है। अब इसका डोज क्या रहेगा? तो इसका जो डोज रहेगा 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका डोज रखना है। यानी कि 150 लीटर से 180 लीटर पानी में हमें 800 ml दवाई का इस्तेमाल करके धान में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने और किसानों ने इसका जब प्रैक्टिकल किया कि हमें इससे कौन कौन सी क्रॉप में इसका इस्तेमाल करके मोथा का कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, किसानों के द्वारा जो इसका इस्तेमाल किया गया है और हमने जो इसका इस्तेमाल करवाया है, वह निम्न प्रकार की फसलें हैं, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मूंग। इनके अंदर भी यह मोथा कंट्रोल करता है। जी हाँ, इनके अंदर भी यह मोथा बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। आप इसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग के अंदर जब मोथा 2 से 3 इंच का आपका हो जाता है, उस समय जमीन में अच्छी नमी देख के 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, यह दवाई जब भी आप सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उस मोथा की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ेगी, जमीन के अंदर की जो कीटाणु है वह भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस दवाई का जो रिजल्ट है आपको 7 दिन के पश्चात ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें हमें धैर्य बनाने के रखने की बहुत जरूरत है। आपने आज इस्तेमाल किया तो 3 दिन के बाद तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो 7 दिन से 15 दिन के भीतर इस दवाई का अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और सोयाबीन, मूंगफली के अंदर जब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें तो इसके अंदर होने वाले दूसरे खरपतवार के अंदर आप लगाम, यूपीएन कंपनी का लगाम आता है जिसका टेक्निकल इमीडिएट हाइपर 10% SL परस्यूट, इनके साथ में बासाग्राम का इस्तेमाल मिलाकर कर सकते हैं, जिससे कि आपको मोटा पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल पाया जाता है। जी हाँ, आपने इसको कौन कौन सी क्रॉप में इसका इस्तेमाल किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको रिजल्ट कैसा लगा और कितने दिन में आपको इसका रिजल्ट मिला? जय हिंद, जय भारत।